हेलो दोस्तों कैसे हो सब लोग आई होप कि सब बढ़िया होंगे तो मैं भी सो स्वागत करता हूं आपको टेक विद विश्व यूट्यूब चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम कोई फॉरेक्स ब्रोकर का रिव्यू नहीं करने वाले हैं या फिर मेरे लाइफ स्टोरी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं आज के इस वीडियो में सिंपल सा मेरे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था यानी कि डायरेक्टली मैं फॉरेक्स पे आ गया था या फिर और किसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था मेरे हिसाब से ये जो वीडियो होने वाला है ना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट मैं इसको काट दूँगा ठीक है <laughs> तो आज के इस वीडियो में सिंपल बात करने वाला है कि कैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और मैंने क्या क्या गलतियाँ किया था और साथ ही साथ मैंने एक पर्टिकुलर ब्रोकर का मैं आप लोगों को विड्रॉल प्रूफ दिखा दूंगा जिसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक करके आए हो मैं लाइव प्रूफ दिखा दूंगा उसका टेंशन मत लो बाकी चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हो हमने एक कोर्स बनाया है फॉरेक्स ट्रेडिंग 2023 करके यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे चीज़ें हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग 2023 में आप कैसे करोगे यहाँ पे पूरा बेसिक पॉइंट से लेके यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल्स हो गया पी हो गया हमने पी का पूरा लाइव दिखाया बाइनांस के प्लेटफॉर्म पर होबी के प्लेटफॉर्म पर और कैसे आप पी पी को सेफ तरीके से कर सकते हो बाकी ट्रॉन लिंक प्रो के बारे में बताया गया है यहाँ पे ट्रॉन लिंक प्रो से कैसे ट्रांजेक्शन करने हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के टैक्सेस के बारे में बताया गया है अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओनली थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ है आप लोग परचेज़ कर सकते हो मैंने ये जो ट्रेडिंग का जर्नी था इसको स्टार्ट किया था टू में अराउंड मे जून के आसपास कुछ मेरे को पर्टिकुलर डेट याद नहीं है या फिर महीना याद नहीं है और मेरे पास वो ट्रांजेक्शनस भी नहीं है ठीक है तो टू में मैंने स्टार्ट किया था साढ़े तीन से बिनोमो करके एक अपलीकेशन आता है जो कि बाइनरी ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है उस टाइम में फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब ये हो हो गया एक सेम हो गया इनके बारे में कोई आइडिया नहीं था ऑक्टाइफिक्स का मैं आर्ट्स देखता था क्योंकि ऑक्टाइफिक्स का बहुत ज्यादा आर्ट्स चलते हैं वो लोग प्रमोशन में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं ठीक है तो ये कुछ बिनोमो का मैंने आर्ट देखा था कि साढ़े तीन सौ रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो तो मैंने साढ़े तीन सौ रुपये लगा दिया था बिनोमो में तो पर डे का मान के चलो ढाई सौ तीन सौ रुपये अच्छा सा प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि जो मिनिमम ट्रेड सेवेंटी रुपीज से स्टार्ट होता था, था कि सत्तर रुपये आप लगाओगे कुछ नाइन्टी फाइव या फिर एक सौ पाँच रुपये कुछ ऐसा ही प्रॉफिट निकलता था ठीक है तो उस टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बना था मतलब उस टाइम 200-300 बन जाते थे और दिन में 200-300 बने तो रात को पूरा खाली हो जाता था खाली कैसे होता था देखो उस टाइम मेरे को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता था मेरे को किसी भी पैटर्न के बारे में पता नहीं था मैं ऐसे ही ट्रेड करता था क्यों मेरे को लगता था कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को ऐसा लगता था तो मैं ऐसे ही मतलब आंख बंद करके लगा देता था पैसे तो उस टाइम प्रॉफिट भी होता था लॉस भी होता था लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गए 2019 से लेके 2021 तक अराउंड दो ढाई लाख का मेरे को लॉस हुआ है क्योंकि मैं जब सिग्नल्स या फिर पैटर्न को सीखने जाता हूँ तो मैं नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि काफी सारे पार्टनस हैं तो मैं ऐसे ही करके बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया बाइनरी प्लेटफॉर्म पर ठीक है जो बिगिनर होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ बाइनरी आ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको एक फिक्स इनकम मिल, मिलता है या फिर आप बोल सकते हो फिक्स लॉस होता है फॉर एग्जांपल आप सौ रुपये यहाँ पर लगा रहे हो तो आपको रिटर्न में डेढ़ सौ रुपये मिलेगा या फिर आप सौ रुपये अगर नुकसान हो जाता है तो सौ रुपये ही नुकसान होगा उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा तो फॉरक्स में क्या होता है फॉरेक्स में प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं रहता है और लॉसेस का कोई भी लिमिट नहीं रहता है मतलब आप सौ रुपये से अबरे मान के चलो पाँच सौ बना सकते हो और सौ रुपये अगर डूब गए तो अगर नीचे डाउन ट्रेड आ गया तो आप मान के चलो कि अगर आपका नुकसान होगा तो सौ रुपये पूरा खाली कर सकता है अकाउंट ठीक है तो इस तरीके का होता है तो 2019 से 2021 तक तो मैंने बिनोमो ट्राई कर लिया क्वेटिक्स करके एक आता था उस पर भी मैंने ट्राई कर लिया और बाकी बहुत से अप्लीकेशन आते थे फॉरिक्स का या फिर बाइनरी का और स्टॉक्स में मैं करता था ऑपस्टॉक्स में ऑपस्टॉक्स में अच्छा खासा। रेफरल्स के जरिए मैं बहुत पैसा बनाया हूँ ऑपस्टॉक्स में अराउंड दो ढाई लाख का मैं बनाया हूँ ठीक है और बाकी मैं ट्रेड्स जब करता था तो उस पर भी नुकसान होता था तो मैंने स्टॉक ट्रेडिंग छोड़ दिया नुकसान करने के बाद ऐसे बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दो ढाई लाख और यहाँ पे क्रिप्टो में देखोगे तो अराउंड ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड का कुछ नुकसान होगा और स्टॉक्स में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं देता था उसको अराउंड टेन के आसपास कुछ नुकसान हुआ होगा तो टोटल मिला दोगे ना तो तीन लाख के आसपास मेरा नुकसान चला था टू से टू के बीच में और नुकसान क्यों हो रहा था मैं बताता हूँ मेरी गलती की वजह से क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था मैं इमोशनली ट्रेडिंग करता था मैं भगवान को दुआ करता कि भगवान ऊपर चले जाए हाँ देखो भैया आप ट्रेडिंग आपको पता है आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तभी जाके भगवान आपका साथ देगा नहीं तो नहीं देता है क्योंकि आपको कुछ भी पता है नहीं है आप सिंपल यहाँ पे आ रहे हो कि भैया अभी ऊपर चला जाएगा तो मैं प्रॉफिट बना लूँगा अभी नीचे चला जाएगा तो मैं प्रॉफिट बना लूँगा तो ये चीज़ें नहीं होता है तो उसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया कि ऐसे ऐसे पैटर्न्स होते हैं ऐसे ऐसे एनालिसिस किया जाता है मैं मार्केट को देखा कि भैया मार्केट कैसे मूवमेंट करता है तो हर चीज़ें एनालिसिस करने के बाद फिर मेरे को पता चला रोबोट ट्रेडिंग के बारे में काफी सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी बीच में मैं सेल करता था अभी मैं बंद कर दिया हूं क्योंकि उस पर कुछ अपडेट्स हो रहे हैं तो फिर मेरे को पता चला एक स्नेस के बारे में मैंने कहीं पे आर देखा था ऑक्टाइफिक्स फिर इसके बारे में ऑक्टाइफिक्स के बारे में पहले पता चला ऑक्टाइफिक्स में मैं भी अच्छा सा प्रॉफिट बनाता था यही 2022 के आसपास में मेरा एक ग्रुप बनाया था वही ट्रेड विद विश्व पे आप जाके देखोगे नहीं तो टेक विद विश्व पे आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर टेलीग्राम पर जो ग्रुप है तो वहाँ पर मैं सिग्नल्स आप लोगों को देता था और मैं कॉपी ट्रेडर्स वहाँ पर प्रोवाइड करता था कि आप लोग सिंपल मेरे सिग्नल को कॉपी करो आप लोग अच्छा सा प्रॉफिट बनाओ काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट बनाया था ठीक है तो अराउंड वही मान के चलो दिन का पंद्रह सौ दो हज़ार रुपये तो निकल रहा था फिर मैं आया एक्सनेस को एक्सनेस को अराउंड में आया कितना टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के बीच में कुछ डेट मेरे को फिक्स नहीं है चेकआउट करना पड़ेगा कि कब अकाउंट मैंने बनाया था अभी भी ईमेल है मेरे पास तो इस तरीके से मैंने एक्सनेस को स्टार्ट किया फिर मैंने देखा कि भैया इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है तो एक्सनेस का एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म था तो इस पर मैंने भरोसा किया और मार्केट में यहाँ पे आ गया तो आने के बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ से जो स्टार्ट अमाउंट किया था ट्वेंटी डॉलर से मैंने स्टार्ट किया था फिर मैंने प्रो अकाउंट बनाया इस पर फाइव डॉलर का फिर मैंने यहाँ पर अकाउंट को ग्रोथ किया और अराउंड टेन डॉलर तक कुछ मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बनाए थे ये टू की बात है अभी मैं टू का ही रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको जी जो फिफ्टीन लाख का जो प्रॉफिट है मैं लेके चलूँगा अभी थोड़ी देर में आपको पीसी में और टू का ही मैं खाली दिखाऊंगा टू का अलग है कोई नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं और दिखाते हैं मैं हर वीडियोज़ में वो ड्रोल वगैरह प्रूफ दिखाता रहता हूँ इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ड्रोल प्रूफ वगैरह देखना है तो अभी चलते हैं सीधा मैं पीसी में लेके चलता हूँ तो so दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं डायरेक्टली एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं काम करता हूँ ऑल स्टाटस को डाउन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी हो तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कस्टम डेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिंपल एक काम करते हैं जनवरी वन जैसे ही मैंने बताया था 2023 का ही खाली दिखा देता हूँ यहाँ पे मे फिफ्टीन तक ले लेते हैं क्योंकि आज का डेट जो है फिफ्टीन है फिफ्टीन में है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर डेट सिलेक्ट हो गया डॉल हो गया डन हो गया अभी मैं नीचे चलता हूँ मोर पर क्लिक करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैं पूरा आपको एक एक करके कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा और यहाँ पे ये लास्ट है यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं साइड में यहाँ पे देखो 28 मैं आपके सामने फटाफट से कर लेता हूँ 19 यहाँ पे 235 थर्टी फाइव यहाँ पे डबल सिक्स सिक्स सेवन यहाँ पे हो गया आपका 89 और यहाँ पे 132 ओके और यहाँ पे चलते हैं 128 आपके सामने ही मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बाकी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने कौन से कौन से मेथड्स को यूज़ किया है सिक्स हंड्रेड और यहाँ पे आ गया फ़ाइव हंड्रेड और यहाँ पे ट्वेल्व फिफ्टी और मैं कुछ मिस्टेक वगैरह कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं नाइन फिफ्टी और यहाँ पे फोर हंड्रेड सिक्स सेवेंटी फाइव ओके और यहाँ पे लास्ट वाला है वन सेवेंटी सेवन और यहाँ पे चलते हैं सिक्स करके एक है सिक्स फोर्टी और यहाँ पर ऊपर देख सकते हो फिफ्टी एक है और यहाँ पर सेवन है और यहाँ पे 150 है यहाँ पे 180 भी है तो मैं फटाफट से इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ एक सेवन है 890 है 700, 890 एंड उसके बाद 1100 और इसके बाद 490 है और इसके बाद देख सकते हो 370 490 285 करके है 490 285 और यहाँ पे 600 300 600 300 208 440 208 हंड्रेड ज़ीरो प्लस फोर अब शायद आप यहाँ पर देख सकते हो सभी डन में है और कौन से कौन से मेथड है आप यहाँ पे देख सकते हो ओके okay? तो यहाँ पे 440 का शायद मैंने किया यहाँ पे 147 फोर्टी यहाँ पे दोबारा से फिफ्टी टू एट्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव और 390 दो बार 390 390 और यहाँ पे एक 15 का है और यहाँ पे 100 का है 459 365 और इसका विड्रॉल मैंने लाइव दिखाया है आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो और एक है 1000 10 और ऊपर वाला है 549 और इसके बाद है 1200 ओके तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो कितना बन रहा है एटीन थाउजेंड नाइन वन एट डॉलर ओके तो अभी के टाइम पे देखोगे ना अगर आप एक्सनेस से ऑनलाइन बैंक को ले रहे हो तो एट्टी नाइन रुपीज़ चल रहा है पर डॉलर का लेकिन हम एट्टी नाइन नहीं लगाते हम एट्टी एट लगा देते हैं इन टू डबल एट तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल बन रहे सिक्सटीन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड सेवन एट्टी फोर मतलब टोटल बन रहे साढ़े सिक्सटीन लाख कुछ ऐसे ही अमाउंट बन रहे हैं और टोटल देख सकते हो यहाँ पे मैं जो डेट्स वगैरह आपके सामने ही दिखा रहा हूँ ठीक है तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अर्निंग किया और मैं जैसे ही बताया कि मैंने कैसे शुरुआत किया था एक्सनेस से आप भी स्टार्ट कर सकते हो ट्वेंटी डॉलर से अभी स्टार्ट कर सकते हो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है अगर आपको चेकआउट करना है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो और साथ ही साथ अगर हमारा कोर्स परचेज करना है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गईस थैंक यू सो मच यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए और बाकी मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको पसंद आएगा और बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस ब्रोकर के ऊपर देखना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगा और थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय जय हिंद